गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जेड लिमिटेड हैड 25,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2013, रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2014। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2013 सिंकिंग फंड बैलेंस इज 24 लाख, रिप्रेजेंटेड बाई 3,000 ओन डिवेंचर परचेज एट अ प्राइस ऑफ 98 एंड 8% स्टॉक ऑफ 22 लाख रुपीज। द एनुअल इंस्टॉलमेंट टूवर्ड्स सिंकिंग फंड वॉज 90,000। ऑन 31 मार्च 2014 द इन्वेस्टमेंट वॉज रियलाइज एट 97, डिवेंचर वर रिडीम। ड्रॉ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। फ्रेंड्स, इन्होंने अकाउंट्स तो दो ही पूछे हैं, लेकिन इन दो अकाउंट से आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन डिटेल में समझाएंगे। थोड़ी हमारी वर्किंग आपको समझने के लिए, वैसे क्वेश्चन में पूछा उन्होंने अकाउंट ही है, बट हम आपको समझाने के लिए लेजर अकाउंट और जनरल एंट्री दोनों ही बताते हैं। तो यहाँ पर हमारे लेजर बनेंगे और यहाँ पर हम आपकी एक तरह से वर्किंग नोट के लिए जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं। जर्नल एंट्री से आपको पूरा ट्रांजैक्शन समझ आएगा कि हो कैसे रहा है। लेजर में एक हमारा डिवेंचर है, डिवेंचर कितने का है, 10% डिवेंचर। ठीक है, इसके बाद हमारा है अकाउंट का नाम जो है वो डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड वर्ड यूज किया है, तो हम लिखेंगे सिंकिंग फंड फिर हमारा सिंकिंग फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो दो अलग अलग कैटेगरीज में है। एक है हमारा ओन डिवेंचर के फॉर्म में, और एक है हमारा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 8% स्टॉक के फॉर्म में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिखें। हमारे 25,000 डिवेंचर आउटस्टैंडिंग थे, यानी कि डिवेंचर में जो हमारा ओपनिंग बैलेंस आएगा वो आएगा 25 लाख। ठीक है, फिर आगे लिखा है सिंकिंग फंड हमारा था 24 लाख का। सो सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है वो हमारा 24 लाख है। अब यहां वर्ड यूज किया है रिप्रेजेंटेड बाई, ये वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर ये वर्ड यूज होता है रिप्रेजेंटेड है, यानी कि 24 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 24 लाख का फंड है, और सिंकिंग फंड भी आपका 24 लाख का ही है, इन्वेस्टमेंट 24 लाख का है। ठीक है, तो अब आप देखिए उसमें से एक इन्होंने बोला है कि 3,000 तो आपने ओन डिवेंचर खरीदे हैं 98 की प्राइस से, तो आपके पास ओन डिवेंचर कितने के हो गए, 3,000 × 98, ये हो गए आपके 2,94,000 के। ध्यान से दीजिएगा, दूसरा जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, टोटल आपका सिंकिंग फंड आपका 24 लाख का है, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी 24 लाख का ही होगा। उसमें से
294,000 के तो आप ओन डिवेंचर हैं, तो ये आपका होगा 21,06,000। इसमें कई बच्चे गलती कर देते हैं, ये यहाँ पर 22 लाख लिख देते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, 22 लाख उसकी फेस वैल्यू है, 22 लाख रुपए आपका उसका बैलेंस नहीं है। जब रिप्रेजेंटेड वर्ड यूज किया जाता है तो 24 लाख को 24 लाख से ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आपको कुछ मेरी बात समझ आई होगी। चलिए, तो अब सबसे पहले तो ये ट्रांजेक्शन्स मतलब बैलेंस मैंने लिख लिए। अब इन्होंने बोला कि एनुअल इंस्टॉलमेंट मेरी है कितनी, 90,000 की। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगे, उनकी पहले मैं जनरल एंट्रीज बनाता हूँ, उसके बाद आपको इनके इंपैक्ट डालेंगे। पहले 31 मार्च को ट्रांजेक्शन हुआ, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट की एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, हाउ मच, 90,000। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, तो दोनों पे रिसीव होगा इंटरेस्ट, तो सिंकिंग फंड पर भी होगा। और चलिए, तो पहले तो हम जो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका हो रहा 8% स्टॉक पे उसको ले लें, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, थोड़ा यहां से लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये कितना होगा, 22 लाख की फेस वैल्यू पे आपको 8% से ये आपका 1,76,000 मिलेगा। फिर तीसरा आपका इंटरेस्ट सेव करोगे आप किस पर, ऑन ओन डिवेंचर, ओन डिवेंचर को आपको पे नहीं करना पड़ेगा, तो आप बचा लोगे एक तरह से इंटरेस्ट। एंट्री क्या होगी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्चुअली मैं डिवेंचर इंटरेस्ट पूरे 25 लाख से होगी, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, 25 लाख पे ये एंट्री होगी 2.5 लाख की। बैंक दोगे आप किसको, आउटसाइडर को 2,20,000, और जो आपके खुद के डिवेंचर्स हैं, जो ओन डिवेंचर आपने खरीद रखे हैं, तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 30,000। जो 3 लाख के फेस वैल्यू के जो आपके खुद के डिवेंचर हैं उस पे आपको 10% से बच जाएंगे। अब आपका टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव हो गया, 2,06,000। सो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर देंगे किसमें, सिंकिंग फंड। एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड 2,06,000, ठीक है। यहां तक क्लियर है पूरी बात, अब आगे बढ़े। अब इन्होंने बोला है 31 मार्च को, एक तो हमने अपने जो इन्वेस्टमेंट थे उन्हें बेच दिया और डिवेंचर को हमने रिडीम कर दिया, ठीक है। सो अब चलिए पहले इन एंट्रीज की पोस्टिंग कर लें। सिंकिंग फंड में क्या होगी, बाय पी एंड एल एप 90,000, बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 2,06,000, ठीक है। अब अगली वर्किंग करें,
आपने डिवेंचर बेच दिए, स्टॉक बेच दिए, तो 8% स्टॉक सोल्ड कर दिया एट 97, तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जो आपका था कितना 97 पे बेचेंगे आप, तो ये आपको 21,34,000 आपको मिलेगा। आपकी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो थी वो 21,06,000 थी, इसका मतलब है आपको प्रॉफिट हो गया ऑन सेल 28,000 रुपये का। ये जो प्रॉफिट ऑन सेल है 28,000 का, ये ट्रांसफर कर देंगे आप कि 28,000 को आपने ट्रांसफर कर दिया, तो इनको बेच दें बाय बैंक 21,34,000। चलिए प्रॉफिट ऑन सेल को लिखने के बजाय हम सीधा यहीं पर लिख देते हैं, ये 21,34,000 है, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट और ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल, तो ये आएगा 21,34,000। 28,000 ये कहाँ चले जाएंगे, सिंकिंग फंड में, तो बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 28,000। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। अगला क्या किया इन्होंने, इन्होंने कहा है कि बाकी डिवेंचर रिडीम कर दिए, तो डिवेंचर रिडीम करने का मतलब है कि जो हमारे ओन डिवेंचर थे उन्हें भी कैंसिल कर दिया, एंट्री क्या होगी 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3,00,000 से टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 3,00,000 से, कौन सा, ये ओन डिवेंचर वाला। और फिर इसमें तो यहाँ पे एंट्री करें आप वाई 10% डिवेंचर्स हाउ मच 3,00,000 रुपीज, यहाँ पर आएगा टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ओन डिवेंचर 3,00,000 रुपया। अब देखिए गौर से, इसमें भी 6,000 का फायदा हुआ है, तो ये ट्रांसफर कर देंगे सिंकिंग फंड को प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, तो ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 6,000 यहाँ आ गए। ये जो आपका 8% स्टॉक था उसका प्रॉफिट है, और ये आपका जो ओन डिवेंचर्स हैं उसका प्रॉफिट है। ठीक है, अब जो बाकी के 22,00,000 डिवेंचर्स हैं, कौन से वाले, ये बाकी के जो 22,00,000 बच्चे हैं, गौर से देखिए, 25,00,000 में से आपने अभी कितने पे किए हैं, 3,00,000 को कैंसिल किया ना, बाकी के जो 22,00,000 हैं इनको आप क्या करेंगे, इनको आप नगद पे करेंगे। ठीक है, और सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है उसको आप ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में, तो टोटल कर लें कितना होता है 24,00,000, 27,00,000, 26,00,000, 27,00,000, 30,000, ये आप जनरेटर में ट्रांसफर करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ये दो अकाउंट पूछे गए थे, लेकिन इन दो अकाउंट्स में एंट्रीज कैसे मूव होनी है इसके लिए मुझे पूरा डिटेल में समझाना पड़ा। अगर मैं ये डिटेल में नहीं करेंगे तो होगा क्या, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मतलब मूव कैसे होंगे। ठीक
इसलिए मैंने आपको ये पूरा समझाया। आई होप समझ आया होगा आपको। एक बार दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।